सुल्तानपुर लोधी विखे नवतेज चीमा ने केंद्र सरकार खिलाफ संविधान बचाओ मार्च की की शुरुआत। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पंजाब विच संविधान बचाओ मुहिम नूं होर तेज कर दिता है। इस मुहिम की शुरुआत पिछले दिन चंडीगढ़ के पंजाब कांग्रेस भवन तो सत्याग्रह करके की गई सी, जिस तो बाद सूबे भर में वख वख पार्टी मीटिंगा प्रैस कॉन्फ्रेंसा और पैदल यात्रावां कीतियां जा रही हैं। इस तहत हलका सुल्तानपुर लोधी के सबका विधायक नवतेज सिंह चीमा की अगवाई हेठ अज सुल्तानपुर लोधी उन्होंने गृह विखे विशेष प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करदिया कहा है कि सत्ताधारी केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी की आवाज़ दबा के लोकतंत्र के चौथे थम की आज़ादी को खतरे में पा रही है। अज जी प्रैस कॉन्फ्रेंस अज बड़ी ज़्यादा वड्डी लोड़ आ भी हिंदुस्तान दे विच संविधान नूं जिहड़ा खतरा हो गया भारत दे संविधान नूं बचाउण लई कांग्रेस पार्टी ने कि सारियां जिहड़ियां ओपोजिशन पार्टियां आ उहनां ने ये सोच लिया भी अज जे इकट्ठे ना होए अज जे संविधान ना बचाया तो फिर हिंदुस्तान दे विच संविधान नहीं बचेगा। जो राहुल गांधी जी ने होया उन्होंने आवाज़ ही चक्की ना, अज तक हिंदुस्तान के इतिहास के कभी यहोजा फैसला नहीं होया भी जी स्पीच के उत्ते 2 साल की सज़ा कर दो, सज़ा करके 24 घंटे के उन्होंने संसद मैंबरी तो भी आयोग करार दे दो। ये आवाज़ न नप्पण की कोशिश की गई है, वो ये लोड़ आ बड़ी अज कल कल पिंड गली महल शहर तक आवाज़ पहुँचाई जाए भी जोड़ा हिंदुस्तान के डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी ने संविधान लिखा से उन्होंने अज जे खतरा तो सब तो व्डा इस सरकार बीजेपी की सरकार तो खतरा आ। तो अज सारू कट्ठे हो के ये आवाज़ उपर तक जानी चाहिए आ। और पहली बारी होया भी जी सरकार आने पार्लीमेंट बंद करा पार्लीमेंट का वाकआउट कर गई हो, तो ये हिंदुस्तान के गल चल भी पई आ और बड़ा लोगों ने इस चीज़ का रोस जताया और पूरे वर्ल्ड लैवल से जरा कई देशों ने इस चीज़ का इतराज किया। उस प्रैस कॉन्फ्रेंस आ और इस चीज़ में असी सारे थान लैके जावे जी आवाज़ उठाई आ और लोगों इस चीज़ लिए जी जागरूक करके एक मंच पर लैके आवे। देखो सिद्धू साहब भी 1 साल की सज़ा कट के अपनी बाहर आए 323 दे विच, वो भी पहली बार किसी ने सज़ा इन्नी हुई 1 साल की, तो बड़े कानून दी पालन करके वो पूरी सज़ा अपनी ठीक वधिया तरीके नाल कट के डिसिप्लिन दे विच बाहर आए आ। उदन भी देखो कितना लोग इकट्ठे हुए सारे पंजाब चों और 12 बजे तक कह के 6 बजे छड्डिया गया। हुण उन्हां दा अगला प्लैन यह भी एक तो आराम कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा जिहा बुखार सी ते वाइफ भी ठीक नहीं सी उन्हां दे, हुण शनिवार नूं ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਢੇ 3 ਵਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ।